हे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए UPSC और CCC कोर्स के कंप्यूटर क्वेश्चंस का पार्ट 13 लाई हूँ, जिसमें मैंने इंटरनेट टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 12 में इंटरनेट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 13 में कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा डेटाबेस प्रोग्राम जो इंटरनेट पर तथ्यों को ढूंढने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? उसका नाम है सर्च इंजन। आप सब ने ही देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। गूगल आप यूज़ करते हो, याहू यूज़ करते हो, ये सारे सर्च इंजन हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इंटरनेट पर सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पर वेब पेज दिखाने में मदद करता है और वेब पर नेविगेट करता है, वो क्या कहलाता है? सबसे पहली बात तो ये कि जो भी वेब पेज आप देखते हो, पेज खुलता है आपका, वो पेज किस पर आता है, ठीक है। तो वो जिस सॉफ्टवेयर की वजह से आता है, उसको हम बोलते हैं ब्राउज़र। जैसे आप यूज़ करते हो मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सारे ब्राउज़र हैं जिसकी मदद से आप वेब पेज ओपन करते हो इंटरनेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। पहली बात तो ये कि ब्राउज़र आपको पता चल गया दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला टाइप है आपका टेक्स्ट ओनली और दूसरा है ग्राफिकल। आपको समझ में आ ही रहा है कि टेक्स्ट ओनली का मतलब कि जिस ब्राउज़र पर आपका सिर्फ टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी इमेज, कोई भी मल्टीमीडिया नहीं आएगा, सिर्फ लिखी हुई जानकारी आएगी, वो टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र होता है। और ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा होता है, जिस पर मल्टीमीडिया, इमेजेस, वीडियो, वो सारे डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये होती है, जो टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र होता है जिसमें सिर्फ लिखित जानकारियाँ आती हैं, उसकी विशेषता ये है कि वो वेब पेज खोलने में न्यूनतम बहुत ही कम समय लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल ब्राउज़र की विशेषता क्या है? तो ग्राफिकल ब्राउज़र की विशेषता ये है कि वो मल्टीमीडिया युक्त वेब पेज दिखाता है, जिसमें इमेजेस भी होती हैं, टेक्स्ट भी होता है, और उसके साथ ही वीडियोज़ भी होते हैं, क्लिप भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल ब्राउज़र की कमी क्या होती है? तो ग्राफिकल ब्राउज़र की कमी ये होती है कि ये फाइल को डाउनलोड करने में काफ़ी समय लेता है, ठीक है। और यही अच्छाई होती है टेक्स्ट ओनली की, कि वो कम समय लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो ब्राउज़ करने की ये क्रिया प्रणाली है, मतलब आप ब्राउज़र पर जो भी ओपन करते हो, ब्राउज़ करते हो चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, वो WWW की हेल्प से ही आप ओपन कर सकते हो। क्योंकि जितने भी आप एड्रेस देखते हो, सब में स्टार्टिंग में क्या आता है, www. ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो अब आपको समझ में आ गया कि HTML इस वर्ड का यूज़ क्यों किया है मैंने, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब पर है, वेब है, उस पर जो डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं वो HTML इसी भाषा में लिखे जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकेशन की पहचान के लिए वेब ब्राउज़र किसकी मदद लेते हैं? कि हमें मतलब किस एड्रेस पर जाना है, इस लोकेशन की पहचान के लिए किसकी मदद ली जाती है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। शॉर्ट फॉर्म है URL और फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि आपको कोई भी एड्रेस, किसी एड्रेस पे जाना है, अगर आपको याहू पे किसी एड्रेस पे जाना है तो आप लिखोगे ना www.yahoo.com, उसके बाद कोई भी जो भी एड्रेस लिखते हो ऊपर एड्रेस बार में, वो होता है आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाउनलोडिंग क्या होती है? डाउनलोडिंग क्या है, इंटरनेट से हार्ड डिस्क पर फाइल लाना, मतलब कि इंटरनेट पर जो फाइल, जो भी डेटा मौजूद है, उसे आपको आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लाने का काम ही होता है डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस किस्म का कंप्यूटर होना चाहिए? तो देखिए, इंटरनेट की सुविधा के लिए 486 प्रोसेसर युक्त, 500 MB हार्ड डिस्क का और 8 MB रैम मिनिमम इस क्षमता का प्रोसेस आपका कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें 486 प्रोसेसर युक्त होना चाहिए,
500 MB हार्ड डिस्क और 8 MB की रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम होना चाहिए? तो इसके लिए दिया हुआ है 14.4 KB किलोबाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस इंटरनेट के लिए प्रयोग होने वाली तकनीक का क्या नाम है? तो वायरलेस इंटरनेट के लिए प्रयोग होने वाली तकनीक का नाम होता है लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस इंटरनेट सिस्टम में डेटा डिलीवरी की दर कितनी हो सकती है? तो वायरलेस इंटरनेट सिस्टम में डेटा डिलीवरी की दर हो सकती है 155 MBPS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह से इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करने के लिए इसे किस किस्म का होना चाहिए? तो उसे लो अर्थ ऑर्बिट का होना चाहिए। उपग्रह से इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल मॉडम की स्पीड कितनी होती है? केबल मॉडम की स्पीड होती है 10 MB प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की एक तकनीक होती है ईमेल। ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है ईमेल करने के लिए। ईमेल के लिए पता कौन प्रोवाइड करता है? पता आपको प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेषक को वापस लौटाने वाला मेल क्या कहलाता है? मतलब जो आपने मेल भेजा है किसी को और वो वापस आ गया है, उस मेल को आप बोलते हो बाउंस्ड मेल। वहाँ तक नहीं पहुँचता है, बाउंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? तो जो व्यावसायिक कंपनियाँ भेजती हैं ईमेल्स, उनको बोलते हैं जंक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? तो हम संदेश जो लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं? मैसेज कंपोजिशन विंडो में। ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है? तो जो संदेश है वो मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। आपका जो मेल बॉक्स होता है उसकी मैसेज विंडो होती है, उसमें आपका ईमेल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर से प्राप्त नए संदेश को देखने के लिए मेल विंडो में किस बटन का प्रयोग करना होगा? तो आपको उस मेल विंडो में गेट मेल बटन का प्रयोग करना पड़ता है सर्वर से प्राप्त नए संदेश को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषक का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होती है? मतलब कि आपको जो पता लिखना है वो सारे पते आपके एक एड्रेस बुक में सेव हो जाते हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स, ठीक है? तो आपने जैसे सारे कॉन्टैक्ट अगर सेव कर लिए तो वो एक एड्रेस बुक में सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होगा? अगर आपको मेलिंग लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको संदेश भेजना है सेम ईमेल, तो आपको मेल रिफ्लेक्टर कमांड का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट सर्वर क्या करता है? तो लिस्ट सर्वर क्या होता है, वो मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है। जो आपकी मेलिंग लिस्ट होती है जिसमें आपके पते होते हैं जिन जिन लोगों को आपको भेजना हो सकता है, उस मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है।